यस, मैंने मिशन कंप्लीट कर लिया। ये क्या करी है मम्मा? मैं ना खीर बन गई, मैंने कहा बादाम डाल दूँ उसमें ज़रा काट के। बादाम के बगैर खीर अच्छी नहीं लगती। ओए सोया था। अच्छे जाए मम्मा की जान है। आप आज कितना गंदा बेबी हो रहा है। नहीं नहीं करके कपड़े पहने जल्दी से जल्दी से। तो ये देखिए जी, वो मिठाई लेकर आए हैं, बहुत ही मज़ेदार और यमी मिठाई थी ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू अल्लाह के नाम से। और आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं जिसकी मैंने करनी है जी तैयारी खाना बनाने की। आएंगे तो वो लोग रात में, लेकिन सारा दिन में मैं तैयारी करूँगी। संडे है, मासी नहीं आई आज, तो मैं और मायदा हम दोनों मिलके तैयारी करेंगे और आयज़ल को भी संभाल लेंगे। आयज़ल बहुत तंग करती है, जब किसी ने आना हो तो जो है ना वो तंग करती है बहुत ज़्यादा। तो करते हैं जी आज के खाने की तैयारी और आप लोग हमारे साथ रहें, हमारा व्लॉग देखें एंड तक देखें। और अगर उन्होंने मेहमानों ने वीडियो बनाने दी हमें तो हम उनकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और तस्वीरें वगैरह भी खींचेंगे। वैसे तो वो लोग सादे से लोग हैं, वीडियोस वगैरह नहीं बनाते हैं और ना ही पिक्चर वगैरह इतनी है। वैसे आजकल तो ज़माना है कि लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, सेल्फियां बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं पूछूंगी उनसे, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो मैं आपको, मेरे तो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं वो, और जो है ना बचपन सारा उन लोगों के साथ गुजरा है, मेहमानों के साथ जो आ रहे हैं। वो माँ की जगह पे है मेरी और जो है बहुत प्यार दिया उन्होंने हमें। बस ये कि अच्छा वक्त गुजरा हो तो इंसान को याद रहता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, कोई शिकायत का मौका ना दिया जाए। तो उनके साथ अच्छा सा उनके जो है उनका अच्छा सा इस्तकबाल किया जाए। और चले जी अभी करते हैं जी खाने की तैयारी फटाफट से, और मिलते हैं जब मैं तैयारी करूंगी। तो फिर अभी चाय बनाती हूँ, अभी मायदा चाय बना रही है, चाय पी के और फिर हम लोग करते हैं शुरू तैयारी। आप लोग हमारे साथ रहें, मेरा व्लॉग देखें और इन्जॉय करें। जाए मम्मा की जान है। आप आज कितना गंदा बेबी हो रहा है। नहीं नहीं करके कपड़े पहने जल्दी से जल्दी से। करते हैं तैयारी। अदरक लहसुन था तो मैंने कहा कि ना ये मैं थोड़ा सा पीस के रख लेती हूँ, काम आएगा। तो अभी इंशाल्लाह बस अदरक लहसुन पीसते हैं फिर चलते हैं किचन में। गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बस कोई बात नहीं, चले जो है ना। चरगा बनाना है हमने। चरगे को मसाला लगाते हैं, ठीक है। चिकन का चरगा बनाना है, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून लहसुन के, ये 3 टेबल स्पून लहसुन के डालेंगे। और ये जो है ना गरम मसाला ज़रूरी डालना है। गरम मसाला डालती हूँ मैं, ये देखा अभी, ये देखो जी, ये 1.5 चम्मच जो है ना गरम मसाले का डाला मैंने, ठीक है। इससे इतना अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और ये हल्दी 1 चम्मच हल्दी, अच्छा इसमें जो ना ये 1 चम्मच हल्दी इसका लगानी है, ठीक है। और इसमें जो है ना साथ में जाएगी लाल मिर्चें चली जाएंगी, 2-2 चम्मच डालेंगे ये जी लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून एक और आधा लाल मिर्चों का, और ये थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे सही है, ये देखिए बस, ठीक है। अच्छा इसमें मैंने ना टिक्का मसाला भी डालना है, टिक्का मसाला डालूंगी मैं। अच्छा और ये दही है, दही को ऐसे ऐसे करेंगे हल्का सा। वो भी चिकन देख रखा पड़ा है कोई नहीं दिखने का। अच्छा जी ये जी दही, दही देखिए मैं डालूँगी भैया, 4 से 5 चम्मच दही के डालना है, ठीक है। ये इतने जो इसको मिल गया। अच्छा जी ये सिरका आ गया है, सिरका देखो जी, सिरका मैंने डालना है 4-5 चम्मच डालते हैं सिरके के। ये अब आ गया चिकन, चिकन हमने धो लिया अच्छे से। अब इसको हमने चिकन को मैरिनेट करना है सारा दिन के लिए। ये अभी 11 बज रहे हैं ना, 11 बजे से ये शाम 5 बजे तक इसको मसाला लगा रहेगा। वैसे तो अच्छा सा मसाला लगा दिया,
इसमें अभी ना टिक्का मसाला डालना है, टिक्का मसाला है नहीं मेरे पास अभी, टिक्का मसाला मैं शाम में मंगवा के ना तो फिर जाए। मम्मा की जान है आप, आज कितना गंदा बेबी हो रहा है, नए नए करके कपड़े पहने, जल्दी से डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 3 चम्मच, और अब इसमें हम लोगों ने डालना है, ये मैंने मसाला बनाया हुआ है ठीक है, ये डालेंगे इसको ग्राइंड करके, ये मैंने आधा कर लिया ग्राइंड, आधा रह गया। ये चिकन बिरयानी तैयार हो रही है कराची वालों। अभी करते हैं जी सारे घर की सफाई, घर बहुत गंदा हो रहा है, जल्दी से सफाइयाँ करते हैं तो फिर मिलते हैं। हाँ जी, अब मैं डाल रही हूँ इसमें बिरयानी मसाला ठीक है, शान वालों का बिरयानी मसाला डाल रही हूँ मैं। एक पाव के करीब जो है ना आपने दही डालनी है, एक पैन मिक्स, और इसको ढक के अच्छे से पकाते हैं जब तक पानी नहीं खुशक हो जाता और चिकन गल नहीं जाता, ये बिरयानी मसाला तैयार हो जाएगा ठीक है। और ये चिकन कढ़ाई, ये जी मैंने ना ये देखे कैरी लेकर आई थी, कैरी मैंने काट ली है, आधा किलो कैरी में लेकर आई, मैंने कहा घर में ड्रिंक तैयार करते हैं बच्चों के लिए, बड़ी मज़ेदार सी ये जैसे बाज़ार से मिलती है ना ऐसी बन जाएगी, तो मैंने सोचा कि घर में ही तैयार कर लेते हैं। तो अभी इसको मैंने पानी डाल दिया इसमें छील के, इसको अभी इसमें मैं चीनी डालूँगी, चीनी पकने के लिए रखते हैं, ये जैसे ही नरम होगा तो इसको चूल्हे से उतार के इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका मशरूम बनाएंगे, मज़ेदार सा शरबत बच्चों के लिए। अच्छा आज तो काफ़ी काम है, बस 5 बजे तक मैंने फ़ारिग होना है सारे काम करके, खाना वाना बना के 5 बजे तक मैं फ़ारिग हो जाऊँगी इंशाल्लाह, तो फिर जल्दी से तैयार होंगे रेडी। मासी नहीं आई, मासी को फ़ोन किया था लेकिन वो आई नहीं, तो कह रही थी मैं आ जाऊँगी लेकिन वो नहीं आई, धोखा दे देती हैं टाइम टाइम पे, मासियाँ धोखा दे देती हैं, यकीनन आप लोगों को भी मासियाँ धोखा देती होंगी टाइम टाइम पे। अच्छा जी आयजा देखें दे क्या देख रही है, बद्दोबद्दी देख रही है आजकल जो गाना मशहूर हुआ है पूरे पाकिस्तान में, मशहूर हुआ है आजकल गाना बद्दोबद्दी बद्दोबद्दी, पता नहीं क्या अजीब तमाशा है ये। चलें ठीक है जी, जो भी था अच्छा है, वायरल हो गया। आयजल आयजल तैयार हो गई है, मैं आयजल की आयजल की शुक्र है इसको दूध पीना था। आयजल मेरी जान, आयजल आई लव यू। आयजल आज कौन आ रहा घर में, मेहमान आ रहे हैं आज घर में आयजल के, आयजल का ब्रेसलेट तो बहुत प्यारा है भाई, वाह भाई वाह, आयजल का तो बहुत प्यारा ब्रेसलेट है। हाँ पकड़ लूँ मैं, पकड़ लूँ आपको, अच्छा अभी पकड़ लेती, अभी पकड़ लेती, अच्छा अच्छा मैं अभी पकड़ लूँ, पकड़ कह रही मुझे पकड़ लो। ये देखिए जी मैंने जो है ना साथ में मैंने कहा कि खीर भी बना लेते हैं, फ्रूट चाट सोचा था बनाने के लिए लेकिन फ्रूट अभी फ्रूट चाट वाले आए नहीं हैं अभी ना, फ्रूट चाट मज़े की बनेगी नहीं अभी, तो मैंने कहा कि चलो ये खीर बनाते हैं आज का। हाँ जी मेरे सारे काम हो गए हैं और बस अभी जो है मेहमानों के आने का इंतज़ार है, यहाँ पर बर्तन लग चुके हैं सारे और मैंने खाना भी तैयार कर लिया है, मासी भी नहीं आई थी आज, धोखा दे दिया मासी ने, और अभी जो है बस क्या टाइम हो रहा है, 5:30 हो गए, 6:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं बस, शायद आने वाले हैं वो लोग, और अभी मैं खीर बना रही हूँ, मैंने कहा कि जो है ना खीर बना ली जाए जल्दी जल्दी से, फ्रूट चाट वगैरह भी बनाई है मैंने लेकिन जो है ना उसमें फ्रूट 1-2 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सोचा कि खीर बनानी चाहिए साथ में जो है ना, खीर बहुत अच्छी लगती है खाने के साथ, तो बस मैं अभी खीर बना रही हूँ, अपने मेहमानों के आने का इंतज़ार हो रहा है। आपने मेरी वीडियो देखे, इंजॉय करें, अभी बहुत कुछ है मेरी वीडियो में आगे, अभी बहुत से पेजेस आगे बाकी हैं, अभी देखना ना भूलिएगा, देखते रहिए टेस्टी फूड विद अनीला। आप लोग कोई कमेंट्स वगैरह क्यों नहीं कर रहे, मुझे कोई कमेंट्स नहीं आता है आपका, व्यूज़ आते हैं लोग देखते हैं और मेरी वीडियो पे भी जाते हैं, सब देखते हैं मेरी वीडियो लेकिन कोई भी कमेंट्स वगैरह नहीं करता कि कमेंट करें मेरी वीडियो को। अच्छा अभी आयजल सो रही है, आयजल तैयार होकर सो गई है ठंडे ठंडे कमरे में, बाहर इतनी उबली हुई गर्मी है आज, फिर टेम्परेचर फुल हाई है, फुल ऊपर तक जो रहता है ना टेम्परेचर हाई है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं तो दुआ यही कर रही हूँ अल्लाह पाक बारिश हो जाए, बारिश हो तो मौसम बहुत अच्छा हो जाए, तो फिर जाएंगे कहीं बहरिया घूमने जाएंगे, कहीं इधर उधर जाएंगे, कहीं
अभी तो बाहर इतनी गर्मी है कि निकलने का भी दिल नहीं करता है। बस हम लोग घर में ही रह के गुजारा कर रहे हैं। चले हेलो गाइस, तो अभी जो है मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। मामा ने सारा सामान वगैरह और प्लेट्स और डिशेस वगैरह निकाल लिए हैं, खाना भी बन गया है। और अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, शाम हो रही है, तो वो लोग भी बस निकल गए हैं। हमने कॉल करके पूछा था तो क्या। तो गाइस अभी जो है मैं तैयार हो गई हूँ और अभी खाना भी बन चुका है। मम्मा ने सारा खाना रेडी कर लिया है, सारा खाना बन चुका है। और अभी मामा पापा सब लोग उधर कमरे में बैठे हुए एसी वाले। ये क्या कर रही है मम्मा? मैं ना खीर बन गई, मैंने कहा बादाम डाल दूँ उसमें ज़रा काट के। बादाम के बगैर खीर अच्छी नहीं लगती। ओए सोया था। अच्छा ये ना मैंने दूर इसमें पानी गर्म कर दिया है थर्मोस में, और जो है ना ये आइजल का दूध, ठीक है, आइजल सो रही है उसको जाके बना के पिला दो बल्कि। हाँ, सही है, वो अभी सो गई है, ताकि जो ना वो लोग आए तो ये ठीक है परेशान ना करे आइजल। तो अभी ठीक है, अब मैं आइजल को उठाती हूँ, आइजल का दूध बनाती हूँ, फिर आइजल को देते हैं दूध। क्या कर रहा है? हाँ पापा रोटी लेकर आए, देखो जरा रोटी। हाँ लेके आ गए। ये बेटा चरगा है जो मैंने घर में घर में तैयार किया। अभी इसको चट करते हैं ना। अभी जी चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। और ये क्या है नीचे, इसको खोल से खोल के देख सकता हूँ। ये क्या है? ओ माय गॉड, बिरयानी। ये मैं गरम गरम डालूंगी, ठीक है, बस जैसे आओ बर्तन लगाए। चलें जी हम बर्तन लगाते हैं। ये इधर अच्छा जी हमारे, अरे मेरे पास ले आओ चाय। अच्छा जी हमारे मेहमान आ चुके हैं, अंदर बैठे हैं और अभी हम लगा रहे हैं जी खाना। तो खाना सर्व करते हैं फिर बाद में, ठीक है? ये खुशबू आ रही है। अच्छा चादर भी लाओ, चादर भी ले। ये डलेगा मसाला आए। मैं रुक जा रुक जा। ये चल रहा। लो भी सामान लो, मैं अभी चला दूँ। और जा रहा है अंदर, अंदर लेके जाते हैं। अंदर है बड़ी मजेदार। और मम्मा ये डाल रही है कराची बिरयानी, कराची की बिरयानी। आज ये लोग खाएंगे तो फिर भूल लेंगे कुछ और। बिरयानी ऐसी के मुंह में पानी आ जाए, इसके बिना टेस्टी हम नहीं जी सकते। टेस्टी फूड विद अन की हाल है तुम्हारा? अच्छी हो गई थी। थोड़ा थोड़ा आइए भाई, हम बाजी हैं। अरे बाजी हो गया बाजी। मैंने कहा वो खाना जब मैं खोल लगाऊंगी ना तो ठंडा होता जाएगा। मैं तभी तो ना बच्चे क्या कर रहे थे। नहीं हाँ जी, आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, तो ये देखिए जी वो मिठाई लेकर आए हैं, बहुत ही मज़ेदार और यमी मिठाई थी ये, और बहुत मज़ा आया, इन्जॉय किया हम लोगों ने। ये चाय के साथ मैंने रखी थी मिठाई, बस ये कि वीडियो नहीं बनाई मैंने, वीडियो इजाज़त नहीं थी शायद, तो ना वीडियो नहीं मैंने बनाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी सी वीडियो और बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये देखिए जी मज़ेदार सी मिठाई है ये। आइजल 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 मेरी जान,
फैजल मेहमान चले गए सारे, सारे मान चले गए। हाँ कौन आया हुआ था आज? मेहमान आए थे आज, आज मेहमान आए थे। हैं हाँ जाएंगे इंशाल्लाह, अगले संडे जाएंगे ठीक है ना। अगले संडे नहीं, कोई चलो जुम्मे को चलो। नहीं जुम्मे रात को जाएंगे, मायदा के पेपर खत्म हो गए फिर जाएंगे। जुम्मे रात को जाएंगे फिर दोबारा आएंगे। बेटा वो मायदा ने पेपर है ना, मायदा के 31 को उन्होंने संडे का बोला है, आंटी ने संडे का बोला है मुझे। आज का व्लॉग करते हैं जी ख़त्म। मेहमान आए हैं, हमने उनसे पूछा था कि हम आपकी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ना नहीं वीडियो नहीं बनाए आप हमारी, तो इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई उन लोगों की। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें, और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, और हमारी वीडियो आखिर तक देखें। और मायदा आप क्या कहना चाहती हैं, आपकी वीडियो कैसी बनी आज? आज बहुत अच्छा मज़ा आया, वो लोग आए, कैसा गुजरा? बहुत मज़ा आया, बातें वगैरह की। अब उन लोगों के भी घर जाएंगे, उन लोगों का घर बड़ा मज़ेदार है, तो घर बहुत मज़ेदार है, फिर उनके घर जाएंगे। वो उन्होंने बोला आयजल को दिखाएं, आयजल तो मज़े कर रही है, आयजल तो मज़े कर रही है। पैसे मुँह में नहीं डालते ये, आयजल को मिले हैं जी पैसे ठीक है, जो मेहमान आए थे उन्होंने पैसे दिए हैं आयजल को, और आयजल आयजल पूरे मुंह में डाल के बैठी। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, ये देखो, ये देखो आयजल गंदा बेबी डर गई। क्या कर रही हो? सारे व्यूवर्स देख रहे हैं आपको, आयजल क्या कर रही है? आयजल जो है ना डर गई है। अच्छा जी, आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। आयजल आयजल का दूध निकल आया भाई, दूध निकाल दिया, सारी शर्ट गंदी कर दी। हाँ दोबारा बोलो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी तरफ से आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आयजल कितना शोर मचा रही, चुप कर जाओ आयजल। कौन सा पार्ट आपको वीडियो को पसंद आया वो भी कमेंट में बताइएगा। अच्छा हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।